सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बड़ौदा हल्के में है और यहां पे अब बाई इलेक्शन शुरू होने की तैयारियां शायद चल रही हैं, बिगुल बज रहा है और अभी देखेंगे कि क्या होता है। उससे पहले मैं यहां पर आया हूं हमारे योगेश्वर भाई साहब के पास। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। योगेश्वर जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, अपने सुनाओ। ठीक, मैं एकदम बढ़िया जी। प्रैक्टिस चल रही थी सर अभी। हाँ भाई, सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं तकरीबन। अच्छा। फिटनेस के लिए भी, और जो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की महामारी पूरी विश्व में फैली है, उसमें अपना देश भी, हमारे डेली केसेस बढ़ रहे हैं। जी जी, जी। और जब से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया था, उससे पहले जनता कर्फ्यू था, लोगों ने पूरा मतलब एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पूरा पालन किया है। और अभी धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और लोग अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं। जो नहीं समझ रहे उनको भी मैं ये बोलता हूँ कि अपने खुद की जिम्मेवारी समझो, और हमने ये समझो कि हमने अपने आप को, अपने देश को, अपने परिवार को बचा लिया, को देश को बचा लिया इसे सबसे पहले कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना की महामारी में। हर तरीके जो भी बचाव के उपाय बताए हैं सरकार ने, उनका पालन करो और अपने आप को सुरक्षित रखो। आपने भी सुनी है, बड़ा योगदान दिया है लॉकडाउन में, लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ कराया भी है। देखिए, हमारा फर्ज बनता है कि जो भी गरीब परिवार है या जो जरूरतमंद है, उसमें कोई भी होता है, क्योंकि एकदम लॉकडाउन हुआ था सभी, क्योंकि गरीब मजदूर लोग थे जो दूसरी स्टेटों से यहाँ पे भी फंसे हुए थे और उनको खाने पीने की दिक्कतें होती हुई थी। उसके लिए हमने यहाँ पे गवाड़े में रसोई, सांझी रसोई चलती थी। अच्छा जी। उसमें भी हम साथ में थे, और उससे अलग लगभग यहाँ पे अपने पूरे हल्का में गवाना हो या बड़ौदा हो या कहीं और से भी फोन आते थे, लगभग 1500 से 2000 परिवारों तक हमने सूखा राशन पहुँचाया है। अच्छा। और अब तो कोई को फोन ऐसा नहीं आता आज के टाइम में तो, क्योंकि सब लॉकडाउन खुलने के बाद सब अपने वापस काम पे लग चुके हैं, और जो बाहर के मजदूर थे वो कुछ जा भी चुके हैं तकरीबन, इसलिए अब तो नहीं, पर जो स्टार्टिंग में जो था वो काफ़ी परेशानी भरा टाइम था। और हमने उस टाइम पर लगभग 1500 से 1800 परिवारों के तक हमने राशन पहुंचाया। राशन पहुंचाया आपने? तो भाई ये तो, क्योंकि आपके बारे में बड़ा सुना था भाई, आपने बहुत कुछ किया है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इलेक्शन की, इलेक्शन से पहले एक कंट्रोवर्सी सा कुछ सिस्टम चला था अलका लांबा को लेके, उस बारे में आपका क्या कहना, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है या छोड़ दिया? देखिए, कार्रवाई तो क्या होगी, उस लोग उसमें ने मतलब एक बहुत अभद्र टिप्पणी की थी उसने पहले, तो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर और गलत बोला। हाँ, राष्ट्रीय सेवा संघ के ऊपर गलत बोला। फिर उसके उसमें मैंने लिखा था, जवाब लिखा था कि मतलब क्योंकि इंसान की परवरिश बताती है वो कैसा, उसके बोलचाल बताती है वो क्या लिखता है और क्या वो सोचता है, वो ये लिखा था। फिर उसने मेरे ऊपर भी, मेरी माँ के ऊपर भी बहुत अभद्र टिप्पणी की थी, उसका हम उल्लेख भी नहीं कर सकते, पर पूरे देशवासियों ने आगे आगे मेरा साथ दिया। मेरा क्या साथ दिया, खुद उसमें जुड़े और अलका लांबा को बहुत खरी खोटी सुनाई पूरे देश में ही। वो मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए वो आवाज़ उठी थी कि मतलब किसी की, और किसी की भी माँ बहन कोई भी हो, सबका हाँ, हिंदुस्तान में एक हमारी वो जो संस्कृति है, जो मैं महिला को, मामा जो माँ हो, बहन हो, उसमें एक अलग दर्जा दिया जाता है और मानते भी उसे, वो है भी वो हकीकत, क्योंकि माता पिता के बिना तो संसार कुछ भी नहीं है। पर देशवासियों ने जो मेरा साथ दिया, में से आगे बढ़ के उसके खिलाफ बोले और उसको किया, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हम इस टॉपिक को भी छोड़ देते हैं। एक प्रश्न है बजरंग पुनिया साहब को लेके, गुरु चेले का संबंध रहा है आपका, तो अब वो अक्सर यहाँ पे आते हैं या नहीं आते हैं, या अब क्या कुछ चला हुआ है? नहीं नहीं, अब तो जैसे लॉकडाउन में तो वैसे भी कोई बच्चा नहीं है, पर बजरंग जैसे ज़्यादा बार ट्रेनिंग करता था। जी जी। हाँ, वो वहाँ पे अपने घर पे सोनीपत में ट्रेनिंग कर रहा है जी, वो वहाँ पे ट्रेनिंग करता है। और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे वैसे भी कोई बच्चा नहीं, सब हमने घर भेजे हुए हैं। अच्छा। और जब तक गवर्नमेंट कोई निर्देश नहीं निकालती है किस तरीके से यहाँ बच्चे रख सकते हैं, तब तक हम यहाँ पे नहीं रख सकते। लेकिन लॉकडाउन के पहले वो आते थे यहाँ पे कभी? प्रैक्टिस कम आते थे, क्योंकि जब बाहर ज़्यादा रहते थे वैसे कम आता था बच्चों यहाँ पे। अच्छा जी, तो अब इलेक्शन की तैयारियाँ कैसे चली हैं सर? इलेक्शन की तैयारी तो अभी तो क्या है, क्योंकि अभी तो कोरोना महामारी है, अभी पता ही नहीं इलेक्शन कब होने हैं, कोई डेट नहीं है, पर यही है कि शायद अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं। और हाँ, और हमने तो, हमारा मतलब था राजनीति में आने का, लोगों की सेवा करनी, समाज सेवा करनी है, जो ज़रूरतें हैं इस हल्के की उनको दूर करने की कोशिश करनी हम करते भी रहते हैं। और इलेक्शन होते ही हम उस चीज़ में लग गए थे, लोगों से मिलना, लोगों की जो समस्याएं हैं जहाँ तक संभव हो हम वो दूर करने की कोशिश करते हैं, और अब भी उस चीज़ में हम लगे हुए हैं। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें
अभी तो इलेक्शन का खैर हल्का सा यूँ सुगबुगाहट चलिए, भाई अब इलेक्शन होगा। देखिए इलेक्शन तो 100% होना, इसमें तो कोई शक नहीं। कोई समय कुछ पता हो? नहीं, दो महीना, दो महीना शायद, जहाँ तक ये जब ये कोरोना महामारी की ये मतलब कंट्रोल में होगी तभी इलेक्शन संभव है। वो नहीं उस तब तक तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आज के टाइम में तो हर रोज केसेस बढ़ रहे हैं, 5-5, 6-6 हज़ार केस हर रोज बढ़ रहे हैं में। हाँ, इसलिए ये कंट्रोल होगा, उसके बाद इलेक्शन हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, ये भाजपा का भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है, जो इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और भाजपा के पास जो सबसे बड़ा प्लेयर है योगेश्वर दत्त, तो कहीं टिकट में कोई कन्फ्यूजन है? देखिए, इस चीज़ के हम पहले भी नहीं सोचते कि क्या है क्या नहीं है। अगर हमें अपने पार्टी ज्वाइन करी हैं, परिवार का हिस्सा बने हैं, भाजपा परिवार का हिस्सा बने हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो देश के प्रति जज्बा है, ऐसे जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं जी, उनकी एक जो छवि हरियाणा में बनी है और पूरे देश में बनी है ईमानदारी वाली, वो चीज़ देख के हमने पार्टी जब ज्वाइन की थी, क्योंकि बिना सिफारिश के पहले काम नहीं होते थे। अब जो योग्य बच्चे हैं, जो काबिल हैं, उनका एक पात्रता के आधार पर उनको जॉब मिलती है, कोई पैसा नहीं लगता, वो चीज़ें देख के हमने पार्टी ज्वाइन की थी। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए देश है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, और हमारे लिए भी देश है, क्योंकि हम हमेशा देश के लिए खेले हैं। इस बात का आपने कदे अफसोस भी हो, दुख भी हो? भाई DSP लग रहा था, नौकरी भी गई और कुछ नहीं आनी जानी? नहीं भाई, कुछ नहीं, नौकरी से हमने कुछ कमाना भी नहीं था, नौकरी तो बस ये थी कि मिल रही थी, और नौकरी 10 साल मैंने नौकरी करी, कदे नाम किए थे अपने पहलवान नहीं करी, और मेरे को लगता था कि नौकरी हो भी नहीं गई, क्योंकि जिस तरीके का डिसिप्लिन, उस तरीके में वो इतने बंदिश में, मतलब वैसे नौकरी बहुत बड़ी थी उसमें भी, पर एक बंदिश भी होती है, जिस तरीके से हम खुले रहते हैं, मतलब मर्जी जहाँ मर्जी गए, जहाँ मर्जी आए, वो चीज़ें पुलिस में नहीं रह सकती। और लोग जो मेरे पास आते थे पहले भी जी, अपने काम के लिए, जो गाँव के आते, जो भी जी, वो पुलिस में रहते थे, उतने अच्छे तरीके से हम नहीं कर सकते थे, जो राजनीति में बंद नहीं होते, क्योंकि बेल्ट की नौकरी बहुत डिसिप्लिन की नौकरी होती है जी, जी। और बहुत अगर कोई ईमानदारी से करे तो बहुत उसके लिए बहुत मुश्किलें भी होती हैं, और क्योंकि 10 साल देखिए, मैंने सबसे मिला भी हूँ मैं, उसमें कोई IPS भी थे हमारे, HPS भी थे, और वैसे भी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, बहुत कठिन नौकरी है ये। और वो पर वो दिक्कत नहीं, दिक्कत वो थी कि जो जिस तरीके से मैं रहता हूँ, जिस तरीके से लोगों से मिलता हूँ जी, वो चीज़ें उसमें थी, इसलिए 10 साल के बाद मेरे को बिल्कुल भी उसको नहीं है। और मैं पहले भी एक ये था कि जब तक होगी होगी, नहीं तो फिर अपना रिजाइन दे के अपना एकेडमी तो अब भी चलाते हैं कि अपने घर पर बैठेंगे, अपने और कुछ काम करेंगे। अब दो टाइप के दंगल है, एक तो चुनावी दंगल है और एक दंगल है ये, मज़ा किस में आ रहा है? देखिए, ये तो इसकी वजह, कुश्ती की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। अगर मैं पहलवानी नहीं करता तो मेरी कोई पहचान नहीं थी, और कुश्ती से अलग मेरी कोई पहचान नहीं है, इसलिए मेरे लिए सब कुछ कुश्ती है। इसके साथ साथ पर जो अब राजनीति में है, मेरा मकसद है लोगों की सेवा करना, देश की सेवा करना, और कुछ भी मैं काम करता हूँ तो बड़े दिल से और बड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ वो काम करता हूँ। और इस मैं चाहता हूँ कि इसमें भी जिस तरीके से मैंने कुश्ती लड़ी, पहलवानी की, उसी लगन से मैं राजनीति में भी लोगों की सेवा करूँ, मेरे से जितना भी पड़े मैं करूँ। जिस जो चीज़ें कुश्ती में मैं मुझे हासिल हुई हैं, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ भी एक अपनी अलग छवि छोड़ूँ, एक ईमानदारी की, एक मेहनती की, जिससे एक आने वाले जो नए बच्चे राजनीति में आए किसी में, कि वो उनको भी थोड़ा अच्छा लगे, वो भी बनने, हमारे जैसे बनने की कोशिश करें। जैसे आज कुश्ती में भी बहुत लोग चाहते हैं कि हम सुशील बने, योगेश्वर बने, वो चीज़ें हम चाहते हैं कि राजनीति में अभी कुछ ऐसी करें कि लोग हमसे, नए बच्चे प्रेरित हों और हमसे भी अच्छा बनने की सोचें। अब आप एज ए कोच की भूमिका निभा रहे हैं या जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनमें जाने की तैयारी पर भी फोकस कर रहे हैं? नहीं नहीं, अब हम अकेडमी चलाते हैं, हम चाहते हैं कि हमसे भी ऐसे बच्चे, जो अकेडमी में बच्चे लगभग 150 बच्चे हैं, यहाँ से हमसे भी अच्छे बच्चे निकले, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन निकले। गेम्स की तैयारी नहीं, खुद तैयारी तो मैंने 2016 ओलंपिक के बाद मैंने नहीं की, हमारे 17 में अकेडमी, क्योंकि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, आप देखिए बिल्कुल अब दोबारा भी शुरुआत कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से, या नहीं? अरे अगर इसी टाइम होता है, मैं बोल दूँ कि दोबारा कर सकते हैं, अगर इसी टाइम होता है और वो टाइम जाने के बाद, और जब उस चीज़ से मैं संतुष्ट, भगवान ने मेरे को इतना दिया है, 4 ओलंपिक खेला, ओलंपिक मेडल मेरे पास, एशियन गेम्स का गोल्ड मेरे पास है, कॉमनवेल्थ गेम्स के 2 गोल्ड मेरे पास है, 2 बार एशिया चैंपियन बने, भगवान ने बहुत कुछ दिया, मेरे मेहनत की, देशवासियों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस अकेडमी से जो बच्चे आगे
देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते, एशियन गेम्स में जीते, वो मैं उनको मैं अपना ही मेडल मानूंगा और मेरा सपने ये उन्हीं के सपनों में मैं अपने सपने देखता हूँ। देखो भाई कितनी बड़ी बात है, संतुष्टि सबसे बड़ी बात है और संतुष्ट हैं अब आगे खुद की तैयारी नहीं बच्चों की तैयारी है। बच्चे कुछ तैयार जो आगे परचम हमने अकेडमी जब स्टार्ट की जब छोटे बच्चे से स्टार्ट की थी लगभग 14 साल से नीचे के बच्चे थे सारे वो जी जी अभी 2-3 साल अकेडमी को स्टार्ट हुए हैं और कुश्ती एक ऐसा चीज़ में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है और हमारा ये मानना है कि 2024 ओलंपिक तक यहाँ से एक या दो बच्चा ओलंपिक के लिए जरूर निकलेगा, इसलिए इतनी जल्दी हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि यहाँ से बहुत जल्दी बच्चे ओलंपिक चैंपियन बन जाए क्योंकि बहुत लंबा मैंने खुद किया है कि 4 ओलंपिक खेले उसमें 1 ओलंपिक में मेरा मेडल आया, इसलिए हमें बस एक सब्र तो रखना पड़ेगा और सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए आप बच्चों को ये बोलते हैं कि आप मेहनत करते रहो आपको फल जरूर मिलेगा। एक बालक मान लो मेरा ये छोरा है 7वीं में है और मैं उन्हें छोड़ दूँ भाई अड़े छोड़ दूँ और ओलंपिक खेले, कितना सब्र मैंने रखना चाहिए, कितने साल सब्र तो मैंने बताया कि रखना पड़ेगा कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जो कुछ ओलंपिक का सपना देखा था 1996 में जो लिंडर पेस का मेडल आया था ब्रॉन्ज मेडल और मेरे को मेडल मिला 2012 में, अब देख लो कितना लंबा वो था और 4 ओलंपिक खेले मैंने, इसलिए सब्र तो रखना पड़ता है। और बस यही है कि एक मन में एक चीज़ होनी चाहिए कि जब तक मेरे को ये चीज़ हासिल नहीं होगी मैं आराम से नहीं बैठूंगा, मैं उसके लिए संघर्ष करता रहूंगा और मैं उसको हासिल करके रहूंगा। मैंने एक दोस्त ने मेरे को बताया, वो आप भी इस बात से वाकिफ होंगे, कई बार गेम्स में जातिवाद ज़्यादा हुआ है भाई, सिलेक्शन के टाइम पे वो कैटेगरी उस जाति वाले ले लो उसने छोड़ दो, और बहुत सारे ऐसे इंडियन प्लेयर भी मैंने देखे जो फ़ौरन में रह के गेम खेलने लग गए भाई यार उस चीज़ से तंग आ गए, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जातिवाद बहुत एक ये ना एक बहुत आप मानते हो इस बात को कड़वा जहर है, पर खेल के बारे में बताता हूँ खेल में वो इतनी चीज़ें जातिवाद वाली नहीं है, क्षेत्रवाद की हो सकती हैं। अच्छा। और खासकर इंडिविजुअल गेम में तो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, टीम गेम में हम क्योंकि टीम गेम में सिलेक्शन करता है जो चयन करता है वो देखते हैं किसी को लेते हैं अच्छे को छोड़ देते हैं, वो चीज़ें टीम गेम में होती है, पर जैसे कुश्ती है एथलेटिक्स है बॉक्सिंग है ये इंडिविजुअल ये वैसे इंडिविजुअल गेम है, इनमें हम सामने वाले जैसे कुछ पहलवानी को ही देखो आप जिसे मैं कुछ लड़ रहा हूँ उसमें सब कुछ क्लियर है, उसमें अगर मैं जीतता हूँ तो मेरी जगह आपको नहीं ले जा सकते, वो ये जो इंडिविजुअल गेम है इनमें इतनी चीज़ें नहीं चलती। अच्छा। 19-20 का तो हर जगह कहीं भी हो सकता है हो सकता। पर हाँ पर कुश्ती है जैसे बॉक्सिंग है इन खेलों में आप ज्यादा आपने कभी इन चीजों का सामना करना नहीं पड़ा? मेरे कभी सामना नहीं करना पड़ा, हर जगह मेरे को बहुत ज्यादा सहयोग प्यार सम्मान मिला है और कभी भी ये चीज मेरे को महसूस नहीं हुई, और ये कुश्ती में ये चीजें हैं भी नहीं, और ये चीजें जहाँ तक मैं मानता हूँ कि राजनीति में और राजनीतिक लोग ज्यादा जातिवाद का कार्ड खेलते हैं जो बहुत गलत है। इलेक्शन में आ रहे हैं राजनीति तो आप भी हो रहे हैं थोड़ा सा, नहीं मैं कभी आपसे मैं जब मैं मिला था बड़े सोबर तरीके से बात थी, अब आप में भी थोड़ा सा गुण आ गए बोलने के भी, नहीं मैं बोलता तो पहले भी था पर ये है कि ये जो ये जातिवाद की क्योंकि मैं बचपन से मैं जैसे रहा हूँ और हर तरह के इंसान में रहा हूँ उस चीज़ कभी हमने फेल भी नहीं किया और मैं आगे भी उन चीज़ों को नहीं करना चाहता, और जो जो भी लोग जातिवाद की बात करते हैं ना उन लोगों को पसंद करता और मैंने यही आगे रहेगा क्योंकि जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं हम उनका अगर साथ देते हैं उनके उनका समर्थन करते हैं तो उसमें ये लगे हम भी शामिल हैं, और कोई भी इंसान इस तरह की बातें करता है जातिवाद की बातें करता है एक से दूसरे इंसान को लड़ाने की कोशिश करता है तो हम उसका विरोध करते हैं और उसे दूरी बना के रखते हैं। तो अगर मान लो महीने 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाए आपकी तैयारियां कितनी हैं इलेक्शन को लेकर, अगर टिकट भी आपको मिल जाए? देखिए इलेक्शन अभी इलेक्शन में टाइम है वैसे शायद अक्टूबर में इलेक्शन हो सकता है, पर मैंने हारते ही मैं लोगों में केंद्र से मिलने लग गया था अपने मतलब अगले 5वें साल की तैयारी शुरू कर हाँ बिल्कुल अगले 5 साल की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और नाम सोचते थे हम ये था कि मैंने अगले 2024 के लिए हमने तैयारी करनी है और लोगों की मैं चाहता कि लोग सेवा करनी है, लोगों के मन में जो भ्रम था वो हमें दूर करना, क्योंकि हम एकदम इलेक्शन में आए थे टिकट मिली थी और लोगों गलत प्रचार भी किया गया क्योंकि राजनीतिक लोगों का खेल ये होता है कि मतलब किसी भी तरह के लोगों को भ्रमित किया जाए और गलत बातें उनके बारे में बताई जाए, पर उसके बाद में इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदला है, हम लोगों से मिले लोगों ने समझने की कोशिश की है समझे भी हैं जिससे भी हम मिले हैं कि भाई पहले जो हमारी बताई गई थी वो चीज़ें बिल्कुल अलग है, पहले तो लोग याद भी ये तो ये रहता ही नहीं यहाँ पे तो क्या पता दिल्ली रहता है बॉम्बे रहता है, एक ऐसी गलत गलत चीज़ें बताई गई जो लोग हाँ कुछ लोग इसलिए वो चीज़ें दूर होती है झूठ ज़्यादा लंबा नहीं चलता। तो मतलब इलेक्शन होने के बाद आप यहीं रहे एकेडमी पे ही रहे? मैं इलेक्शन से पहले भी मैं यहीं रहता था। अच्छा मैं यहीं रहता था पर ये बोलती कि यहाँ पे रहता ही नहीं
क्योंकि अकेडमी 3 साल से, इन बच्चों से यहाँ से अलग हम कहाँ जाएंगे, मेरा घर और अकेडमी यही रहता था। दिल्ली कोई काम हो तो दिल्ली तो अभी जाता हूँ, आगे भी जाएंगे अपने काम के लिए, तो सभी इंसान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर क्योंकि मेरा घर भी यहीं पे, मेरा गांव यहीं पे है, इससे अलग कहाँ जाएंगे। और हमारी पहले पुलिस में भी नौकरी हरियाणा की थी। जी जी जी। हाँ, पर व्यक्ति जो फैलाई जाती हैं जो भी पक्षी पार्टी हो या जो भी हो, वो लोग बिना देखे उस पर विश्वास कर लेते हैं। पर अब 6 महीने में लोगों को ये पता लगा कि ये अकेडमी में रहता है और किस तरह का नेचर है, वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और वो फील्ड में आने के बाद लोग समझते हैं उस चीज़ को। अच्छा, मेरे को एक बात देखने में आई सर, कोरोना पे वापस आ जाते हैं। लॉकडाउन था, लोग बड़े सीरियस थे, कम मरीज थे, अब लॉकडाउन में लोग लाइट हो गए और वो संख्या बढ़ने लगी, इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही है कि भाई जितने भी उसमें आप हैं, हम, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को समझाएं कि हर रोज़ मरीज बढ़ते हैं और आप इसको लापरवाही में ना लें, सीरियस रहें इसके प्रति, अपना इम्यूनिटी सिस्टम तगड़ा रखें, अच्छा खाएं। और वैसे भी जो बाहर का खाना है वो तो वैसे भी कोई नहीं खाता, क्योंकि नुकसान कहीं मिलता भी नहीं, वो चीज़ें तो सभी बंद है। हाँ, पर लोगों में थोड़ा जो एक जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है कि हम, लॉकडाउन खुला है, लोग काम पे भी निकले हैं, फिर भी हमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पहले लॉकडाउन जब गवर्नमेंट सरकार ने लगाया था, उस टाइम में सब घर के अंदर थे, उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खोले, क्योंकि काम धंधे पर निकलना भी करना ज़रूरी है और हम कुछ करेंगे, क्योंकि इसको बीमारी का नहीं पता, अभी तो कोई वैक्सीन बनी नहीं है, कोई दवाई बनी नहीं है, तो क्या कितना लंबा चले, इसलिए काम तो करना बहुत ज़रूरी है, पर सावधानी के साथ। हाँ, लोगों को वही है कि आप सावधानी के साथ कहीं भी जाए, कम से कम कोई इसको कोई काम नहीं तो बाहर कम से कम निकले, कोई बहुत ज़रूरी काम है तभी निकले, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और एक वैक्सीन हम ये बना ही लेंगे थोड़ी ही, कोशिश करते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी कोई वैक्सीन बने, वो सभी देश लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि ये तो एक हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है। और हिंदुस्तान की जनसंख्या देखती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल है आज के टाइम में। आप अमेरिका को देखिए, इटली को देखिए, फ्रांस को देखिए, किसी भी देश को देखिए, आप रशिया को देखिए, इंडिया बेस्ट, उनकी उनको हिंदुस्तान कई गुना अच्छा है और लोग कंट्रोल में भी हैं, हर चीज़ें एक बहुत कंट्रोल में की हुई है और बहुत जागरूक भी लोग हुए, मैंने खुद देखा है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो लोग जागरूक है, कोरोना के बारे में जानकारी रख, सबके पास जानकारी है कि ये क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, हमें दूरी बना के रखनी है, वो चीज़ें हैं, वो बहुत मायने रखती है। और लोग जब समझदार हो गए तो उसमें उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये सरकार ने बहुत अच्छा किया कि जो लोग, हर लोगों तक वो बात पहुँचाई, समझाए लोग। अब कोई फ़ोन मिलाता है तो पहले कोरोना के बारे में बताया जाता है जी, ये चीज़ जो लोग धीरे 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 बार बार एक चीज़ को सुनते हैं तो उसको समझने भी लग जाते हैं, समझने भी लगते हैं। अब क्या आप किसी बड़े बुजुर्ग 90 साल के बुजुर्ग से पूछोगे, उसको भी कोरोना के बारे में पता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक लास्ट मैसेज सर, जनता इम्यूनिटी बढ़ाने खातर के खावा है लास्ट? देखो, देसी खाना है भाई, हरियाणी में बता दूँ, देसी खाना है जी, उसमें गाँव में लोग शीत भी पीवे हैं, दही भी खावा है, जितने भी खट्टी चीज़ें हैं वे खावाएं। और कोशिश करें कि सब्जी जब ले आवाएं तो दो दाग बढ़िया तरिया मामना मत, 1-2 दिन पहले एक से मिल रहा था वो कि पहले हम तो सब्जी ले आवा था बार 2-3 घंटे गाँव में दर्द हैं सब्जी फिर बनावा है, मतलब गाँव के लोग हम इतनी ज़्यादा समझदारी इतनी वो हैं, मतलब वो जागरूक इतने हैं कि भाई हम तो 2-3 घंटे 2 फरीम गाँव में दर्द हैं सब्जी ने, जो भी होगा फकर का भीतर अपना फिर बना खाएंगे। हाँ, ये चीज़ें हैं। पर जैसे उसमें हमें सरकार सभी ने पता भी है, पर मैं तो, क्योंकि मैं डेली मैं तो ना शीत लस्सी है जो मेरा शीत है वो पीऊँ हूँ, दही पीऊँ हूँ, नींबू पानी, और जितना भी उसका जितने भी हैं दिन में गर्म पानी पीवें ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी पीवें गर्म पानी पीवें ठंडे की तरफ ना, बाकी क्योंकि गर्मी इतनी है तो गर्म अच्छा भी लगता, ठंडी उड़ बाज जाए सारे। कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी पी लो अपना, नींबू पानी पीओ, कोल्ड ड्रिंक तो ना पियो। ये जो भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई आत्मनिर्भर भारत, ये चीज़ तो वैसे भी छोड़नी चाहिए हमें, और अपना देसी खाने पर आना पड़ेगा दोबारा ठीक होना ही फिट रहना ही, और हम देसी खाना ला देंगे हर तरीके से स्वस्थ भी रहेंगे, डॉक्टरी जरूरत नहीं पड़े और लंबा भी जीवेंगे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई ये हमारी योगेश्वर दत्त जी, और बड़ा मज़ा आया आज, मैंने इंटरव्यू इसलिए लिया क्योंकि एक तो इलेक्शन है नहीं, जब होगा तब इनके पास इतनी भीड़ हो जाएगी, मैंने खड़े होने भी जगह नहीं मिलेगी, मौके का फ़ायदा उठा लिया थारे भाई ने। तो ये वीडियो कैसी लगी, जितना दिमाग में क्वेश्चन थे यार सारे पूछ लिए, फिर भी थारी तरफ से अगर कोई सवाल जवाब हो तो ज़रूर बताइए, फिर पूछ लेंगे, फिर अंतर। धन्यवाद, जय हिंद भारत माता की जय।